Hello everyone, welcome to my channel, which is Learning Institute. And today I am going to discuss about the crystallography and crystal structure, which is an important topic of a solid state physics. So let's start the video. Crystallography, the study of the geometric form and other physical properties of crystalline solids by using X-ray, electrons beams, neutron beam, etc., constitute the science of crystallography. So crystalline solid की study हम जिस crystalline solid की study हम करते हैं जिस science में, उस science को हम crystallography बोलते हैं. August Brevius 1811 to 1863. Brevius, a graduate of Ecole Polytechnique and a professor of physics, worked out mathematical theory of crystal symmetry based on the concept of the crystal lattice, of which there were 14. I will discuss later. X-ray diffraction, discovery of X-rays. So these are the important for the solid properties, to study the solid properties. So we have discussed earlier, William Röntgen discovered that when certain substances are exposed to the beam of a cathode ray tube, a new kind of penetrating or capable fogging photographic plates, even when shielding emitted, called it X-rays. And these X-rays also ionized gases through which they passes. और ये जो gases हैं, ये जो ray हैं, वो भी ionize करती हैं गैसों को जहाँ से pass करती हैं. So first Nobel Prize मिला था 1901 ईस्वी में Röntgen को X-ray के लिए. और उन्होंने सबसे पहला अपना experiment किया था मैडम क्यूरी के ऊपर. ये उनके हाथ का एक्सरे है और ये बीच में अंगूठी है. मैक्स वॉन लुई 1860. So some confusion here, mistake. In 1912, German physicist Max von Louis and his colleague had already proved that X-ray were diffracted by crystal, and diffraction is a peculiar phenomenon that occurs when a ray of electromagnetic radiation such as visible light passes through an ultra narrow slit. To Lovell diffraction experiment mein crystal ke स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1914 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे ऑन क्रिस्टल. विलियम हेनरी ब्रैक एंड हिज सन बॉटम विलियम लॉरेंस ब्रैक. सो द ब्रैक्स लॉ, the father and the son began a series of experiments that culminated in the invention of the X-rays spectroscope in 1913, and they got Nobel Prize for this in 1914. और ये अभी अभी 2014 में सेलिब्रेशन ईयर मनाया गया. ब्रैक्स का जो रूल आया था वो 1913 के आसपास था, तो 100 ईयर्स पूरे करने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी सेलिब्रेशन हुआ था. तो मैटर डिफाइन है थ्री टर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यहाँ हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे.
तो सॉलिड मेनली रूप से दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनका अरेंजमेंट रैंडमली नहीं होता है, एक मैनर में होता है, लेकिन एमॉर्फस वो सॉलिड होते हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इनका कोई निश्चित मैनर नहीं होता इनके अरेंजमेंट का। और एक टाइप और होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, जहाँ कुछ पोजीशन में अरेंजमेंट अलाइनमेंट होता है मैनर में होता है और कुछ पार्ट रैंडम होता है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच के होते हैं, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों। दिस इज सॉलिड मटेरियल, सो दिस इज क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। एमॉर्फस आर आल्सो कॉल्ड द नॉन क्रिस्टलाइन। सो दिस इज अ सिंगल क्रिस्टल विच इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, एंड दिस इज पॉलीक्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। सो एमॉर्फस हैज नो सिमेट्री, बट पॉलीक्रिस्टलाइन हैज सम सिमेट्री एंड सम रैंडमनेस। क्रिस्टल, क्रिस्टल इज अ सब्सटेंस इन विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न इन थ्री डायमेंशन। सो क्रिस्टल एक एटम और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है एक डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न थ्री डायमेंशन में, लाइक दिस। दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अरेंजमेंट है थ्री डी में। सिंगल क्रिस्टल हैज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स पीरियोडिकली अक्रॉस इट्स होल वॉल्यूम इवन एट इनफाइनाइट लेंथ स्केल। ईच एटम इज रिवील्ड रिलेटेड टू एवरी अदर इक्विवेलेंट एटम इन द स्ट्रक्चर बाय ट्रांसलेशन सिमेट्री। दिस इज द सिंगल क्रिस्टल एमॉर्फस सॉलिड, इसका नाम है पायरेट क्रिस्टल। These are the single crystal which has the repeated periodicity. Polycrystal is a material made up of an aggregate many small single crystals, also called crystallines, crystallites or grains. The grains are usually 100 nanometer to 100 microns in diameter. तो जो ग्रेन होती है उनकी साइज 100 नैनोमीटर से 100 माइक्रोन्स होती है डायमीटर में। पॉलीक्रिस्टल्स विथ ग्रेन्स दैट आर लेस देन 10 नैनोमीटर इन डायमीटर आर कॉल्ड द नैनो क्रिस्टल्स। पॉलीक्रिस्टल, सो इनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट ओरिएंटेड क्रिस्टल की तरह है, और ये जो लाइनें हैं इनको हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। मतलब इतनी दूर तक यहाँ कुछ एक टाइप का अरेंजमेंट होता है, फिर एक अलग जोन बनता है, ये सारी बाउंड्री हैं जिसे ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। यहाँ अरेंजमेंट अलग होगा, पैटर्न सेम रहेगा, तो बाउंड्री वाइज सिमेट्री मेंटेन रहती है लाइक अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस और आइसोट्रोपिक सॉलिड इज कम्पोज ऑफ रैंडम ओरिएंटेड एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट फॉर्म डिफरेंट डिफाइंड पैटर्न्स और लैटिस स्ट्रक्चर। तो दिस इज द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सो दीज आर द एमॉर्फस सॉलिड स्ट्रक्चर। क्रिस्टल मीन्स ए थ्री डायमेंशनल ट्रांसलेशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल। तो एक थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट एटम्स को हम कहते हैं क्रिस्टल, या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं पीरियोडिक एरा ऑफ एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द सॉलिड इज कॉल्ड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
For better understanding of crystal structure, we must know the following technical terms of the crystal, like lattice or space lattice, unit cell, lattice parameter, lattice constant, atomic packing factor, coordination number, and basis, etc. So first of all, we have discussed space lattice, a three-dimensional translational periodic arrangement of points in space is called a lattice, or a definite era of points in three-dimensional, in which every point has an identical environment to all other, is called a space lattice. Basis, an atom or a group of atoms associated with each lattice point. Each lattice point is called as the basis or motif. तो हर lattice के साथ जो एक pattern repeat होगा उसे हम basis कहते हैं. जैसे space lattice एक point जैसा होता है, an infinite era of points in three dimension, in which every point has an identical environment. हर एक particle का अपना एक identical environment होगा, उसे हम space lattice कहेंगे. और वो जिस आधार पे arrange किए गए होंगे उसे हम basis बोलते हैं. Clear? An atom or a group of atoms associated with each lattice point is called as a basis or motif. What is the relation between the crystal and the lattice? This is the relation: crystal equal space lattice plus basis. So crystal structure हमें पाना है तो हमें lattice और basis को एक साथ मिलाना होगा. So, lattice point को किसी basis में arrange करने को हम crystal structure बोल सकते हैं. So this is the lattice points. These are the lattice point, these are the basis, and this will give the crystal structure like this. Facts about crystal cells: a cell is a finite representation of the infinite lattice. A cell is parallelogram, can be parallel piped in 3D with lattice point at their corners. So एक cell जो है वो parallelogram भी हो सकता है two dimensional का, या parallel piped हो सकता है three dimensional का, जहाँ lattice points उसके corner पे होंगे. So this is the one dimensional lattice and these are the lattice point. This is 2D, one dimension, two dimension, and this is 3D lattice. So one dimension, two dimension, and three dimension. So lattice can be any dimension: first dimension, second, two dimension, and three dimension. Three-dimensional lattice is also represented as the corners atom. These are the lattice points. And this is the single plane. If you consider a consider a cube, then this is a single plane. Suppose this is a cube, then this is a single plane, that is 1 0 0.
This I discuss a later. Unit cell, the smallest volume from which the entire crystal is built up by translational repetition in three dimension, called as a unit cell. So एक smallest volume जिससे entire crystal बनाया जा सके repeat करके three dimension में, उसे हम unit cell बोलते हैं. तो एक बड़े crystal का सबसे smallest volume जिसके repetition से हम पूरा crystal form कर पाएँ, उस smallest volume को हम बोलते हैं unit cell. It is also known as the fundamental elementary pattern. Fundamental elementary pattern. Because this is the smallest volume, so it is fundamental. Primitive cell. If the lattice points are only at the corners, the cell is a primitive cell. Example, unit cell of a cubic structure. So this is the primitive. This is the primitive cells. Clear? If the lattice points are only at the corner, the cell is a primitive cell. And the example is unit cell of a simple cubic structure. Non-primitive cell, if there are lattice points are in the cell other than the corner, the cell is non-primitive cells. तो अगर लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर के अलावा कहीं होंगे तो उस सेल्स को हम नॉन प्रिमिटिव सेल कहते हैं. लैटिस पैरामीटर, द लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. द लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी थ्री फेसेस ऑफ द यूनिट सेल विच डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस. These are the crystallographic axes. The primitives ABC, this is A, this is B, this is B, A, B, this is A, B and C. एंड ए के पीछे वाले एंगल को बोलते हैं अल्फा, सी के पीछे वाला एंगल गामा और बी के पीछे एंगल बीटा. सो दीज आर द लैटिस पैरामीटर. ए बी सी आर नोन एज द प्रिमिटिव्स एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर द इंटरफेसियल एंगल एंड बोथ कंबाइंड आर कॉल्ड द लैटिस पैरामीटर. दिस लैटिस पैरामीटर डिसाइड the actual size and shape of the unit cell. So the lattice parameters are very important to find the size and shape of the unit cell. Relation between lattice constant, relation between lattice constants A and crystal density rho. So we can find, as a volume of the unit cell is aq, therefore the mass of unit cell is volume into density, that is m equal aq into rho. Rho is the density. Let n molecules per unit cell, m is the molecular weight and n is the Avogadro number. Then mass of each molecule will be m by n. Clear? M is the molecular weight and n is the Avogadro number. Then mass of each unit cell, this is each molecule, mass of each molecule is m by n. So mass of unit cell is, since unit cell contain n molecules, तो अगर एक molecules का mass m by n है तो n molecule का mass कितना होगा, n into m by n. Therefore, on equating equation 1 and 2,
Here, this is the question 1. This is the mass of unit cell. Also, this is the mass of unit cell. So, we can compare equation 1 and 2. So, we get Aq rho equal to n m by n. And after arranging, we get lattice constant A equal nm upon n rho power 1 by 3. And this equation gives the relation between lattice constant and crystal density. And this equation is very important. This is the very important relation. Generally, entrance mein question pucha jata hai is formula ke upar. So, entrance dene wale students zarur dhyan de. A equal n capital M upon capital N rho. Where capital N is the Avogadro number, N is the number of molecules, and M is the mass of unit cell, mass of a molecule, and rho is the density. Brevius lattice. Lattices are classified on the basis of their symmetry. तो Brevius के अनुसार जो lattices होती हैं वो symmetry के आधार पर classified हैं. In 1850 Brevius saw that the identical points can be arranged especially to produce 14 types of regular pattern, and these 14 space lattices are known as Brevius lattices. तो उन्होंने ये show किया कि जो identical point है उसको हम arrange कर सकते हैं 14 टाइप से, और इस 14 टाइप्स के लैटिस को हम Brevius लैटिस बोलते हैं. दीज आर द 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिसेस इन द 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स विच आर कॉल्ड Brevius लैटिसेस. सो दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम. फर्स्ट इज क्यूबिक, सेकेंड टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल. Cubic has the three types of system of crystal. Three, tetragonal is 2, orthogonal has 4, monoclinic 2, triclinic single, rhombohedral 1, hexagonal 1, and total 14. Total 14 types of space lattices. So cubic has three types of lattices. Must remember these things. Cubic has three types, tetragonal two types, ortho rhombic four types, monoclinic two types, triclinic one types, rhombohedral one type, and hexagonal one type. Total is 14. So we discuss one by one. The first is cubic crystal. In the cubic crystal, three lengths of the unit cell are same and they are at right angles. That is A equal B equal C. So these are the lattice parameter A, B, C and alpha, beta, gamma. So in cubic crystal A equal B equal C and these are at right angle. So alpha, beta equal gamma equal 90 degree. Examples are NaCl, Ag, Au, CaF, lead, copper, etc. Second is tetragonal crystal. Two lengths of the unit cell are equal, third one is longer. In the tetragonal crystal, two lengths are equal, that is A equal B but not equal C, and alpha equal beta equal gamma equal 90 degree. And this is the structure. This is cubic and this is the tetragonal crystal. Third is orthorhombic crystals. It has four space lattices. Length of the unit cell are different. So in this case A is not equal to B, not equal to C, but the angles are the same, and which is equal to 90 degree. Monoclinic crystal has two types of crystal lattice. So length of the unit cell are different. In this case also length different, but the angle is alpha equal beta equal 90 degree but not equal to gamma.
फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स, इन दिस केस द लेंथ आर डिफरेंट, इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड ऑल्सो द अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सो द एंगल्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल. Rhombohedral, also known as trigonal crystal. In this case, the length are the same, A equal B equal C. Also, alpha equal beta equal gamma, but not the 90 degree. Angles are the same, but not 90 degree. The last one is hexagonal crystal. In this case, two axes of the unit cells are equal in length. In one plane at 180 degree with each other, and the third axis is perpendicular to the plane. So two angles jo hai wo 90 degree pe hote hain aur third is 180 degree. Two sides same hote hain, A equal B but not equal C. Conclusion: Brevius lattices are explained on the basis of lattice parameter only. तो हमने देखा कि जो ब्रेवियस लैटिसेस थे वो केवल लैटिस पैरामीटर के बेसिस पे डिफरेंशिएट किए गए, दैट इज ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा. तो दीज आर द लैटिस पैरामीटर और इसी के बेसिस पे ब्रेवियस लैटिस एक्सपेंड हुआ. दिस इज एच सी बी. So this showing alpha is 90 degree, beta is 90 degree, but the gamma is 120 degree. This is the value of C, and C is equal this, which I discuss later. In the packing factor topic. So this is the summary of Brevius lattices. तो जो four types वाले unit cell हैं उनमें एक primitive पाया जाता है, दूसरा body centered, primitive body centered. Primitives, body centered, face centered and side. Side center या base center भी बोल सकते हैं. So primitive, body centered, face center and side center. Here P is called simple cubic, I is known as body centered, F is face centered and C is base centered. This is in cubic crystal, A equal B equal C, alpha equal beta equal 90 degree. This is cubic. Three types of lattices, P, I and F. P, I and F. तो P is simple cubic, I is body centered and F is face centered. Similarly, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic, triclinic. So tetragonal has only simple cubic and body centered. Orthorhombic has a simple cubic, body centered, face centered and base centered, and so on. And these are the examples. And this is the lattice parameter. These are the lattice parameter. A, B, C and alpha, beta, gamma. So you must remember this. All the situation, because in this basis the Brevius lattices are specified.
कहाँ ए इक्वल बी इक्वल सी है, कहाँ नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल सी है, कहाँ 90 डिग्री है और कहाँ 180 डिग्री है, ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। नाउ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दैट इज 2R, सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इज कॉल्ड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इट विल बी 2R इफ R इज द रेडियस ऑफ द एटम, सो दिस इज वन एटम एंड टू एटम, तो इफ R इज द रेडियस सो नियरेस्ट डिस्टेंस इज R एंड R, दैट इज R प्लस R इक्वल 2R। एटॉमिक रेडियस हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, सो हाफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। तो अगर हमें ए बी का मान पता चल जाए, यानी अगर हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पता चल जाए, तो इसका आधा हम करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। क्लियर? तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस या हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर एटम्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज इन द गिवन स्ट्रक्चर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जितने नियरेस्ट नेबर होते हैं किसी पर्टिकुलर एटम के, उसे हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर वी कैन से दैट द गिवन स्ट्रक्चर इज आइदर क्लोजली पैक्ड और लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई द स्ट्रक्चर इज क्लोजली पैक्ड, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो देन इट इज द लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो स्ट्रक्चर उतना ही क्लोजली पैक्ड होगा, और जितना कम होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो स्ट्रक्चर उतना ही लूजली पैक्ड होगा। नाउ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, ये फैक्टर बताता है कि कोई सॉलिड कितना पैक्ड है और कितना खाली है। सो द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द एटम इन द यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेम यूनिट सेल इज कॉल्ड द एटॉमिक फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। दिस इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इक्वल, तो स्मॉल वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द एटम इन द यूनिट सेल एंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो कितने एटम हैं उसमें उनका वॉल्यूम और अपॉन यूनिट सेल। नोट फ्रॉम एटॉमिक फैक्टर वैल्यू ऑल्सो वी कैन से दैट द गिवन स्ट्रक्चर इज आइदर क्लोज्ड और लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? अगर हम एटॉमिक फ्रैक्शन पता कर लें, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, तो भी हम बता सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर कितना लूजली पैक्ड है और कितना क्लोजली पैक्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप कि समझ में आया होगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और BCC, FCC, HCP के हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, या कैसे हम रेडियस निकालेंगे, उनका पैकिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।